वेलकम टू अवर चैनल के वी थ्री सिक्सटी ए है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट है मैथ्स और क्लास है फोर्थ तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं पहला क्वेश्चन है थ्री बाई फोर मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा था वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाई फोर से अब क्या करना है फोर से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी फाइव तो हमारा आंसर आ गया सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट है हाफ ऑफ थर्टी टू हाफ मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन वन बाई फोर ऑफ वन बाई फोर के जी यानी कि वन थाउजेंड ग्राम्स का वन बाई फोर करना है फोर से इसको मल्टी डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा टू फिफ्टी ग्राम्स तो यहाँ पर हो जाएगा टू फिफ्टी ग्राम्स नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन पैटर्न अब एक पैटर्न है इसको हमें कंप्लीट करना है थर्टी ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स हम देख रहे हैं नंबर अगला नंबर क्या आएगा ट्वेंटी फोर जेड वाई एक्स अगला जो अल्फ़ाबेट क्या होगा ये हो जाएगा डब्ल्यू नेक्स्ट है फोटीन इंटू सिक्स यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है फोर्टीन को सिक्स से तो आपको पता ही है ये हो जाएगा एट्टी फोर फिर है फोर्टी एट डिवाइडेड बाई फोर यानी कि फोर्टी एट को हमें डिवाइड कर देना है फोर से ये हो जाएगा ट्वेल्व नेक्स्ट है राकेश वांट्स टू चेंज फॉर टू हंड्रेड रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ उसके पास है राकेश के पास और उसको उनसे चेंज करना है हाउ मेनी नोट्स विल ही गेट इफ़ ही वांट्स इन रिटर्न ऑल फाइव रुपीज़ अगर सारे सारे फाइव रुपीज़ के नोट हों तो उसको कितने नोट मिलेंगे ये पता करना है तो इसको टू हंड्रेड को हम डिवाइड कर देंगे फाइव से और हमें पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा फोर्टी नोट्स नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड जो लेंथ होते हैं कोई बाउंड्री है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको पैरीमीटर बोलते हैं पैरीमीटर बोलते हैं नेक्स्ट है कलर वन बाई फोर पार्ट ऑफ अ गिवन शेप वन बाई फोर्थ पार्ट हमको करना है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फोर पार्ट दिए गए तो वन बाई फोरथ का मतलब इनमें से एक पार्ट हमें चार नीचे वाला क्या होता है टोटल पार्ट होते हैं और ऊपर वाला हमें शेड करना है तो एक को हमें कलर कर देना तो इसको हमने कलर कर दिया ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन सीक्रेट मैसेज यहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज दिया गया है आपको इसको डिकोड करना है रूल नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स तो यहाँ पर क्या है नंबर्स यूज किया है लेटर की जगह पर तो आपको पता है ए बी सी डी अगर आप अल्फ़ाबेट पताएं तो सेवन नंबर पर कौन सा आएगा फ़िफ्टीन पर कौन सा आएगा फ़ोर पर कौन सा आएगा लेटर्स उसके अकॉर्डिंग आपको करना है तो ये सेवन क्या होता है जी होता है फ़िफ्टीन फिफ्टीन ओ ओ फोर हमारा डी होता है तो यहाँ गुड हो गया फिर ऐसे ही आपको इसका बताना है अब आप देख रहे हैं फोर्टीन हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेंगे और उनके नंबर्स उनके नीचे लिख लेंगे फोर्टीन कहाँ पर आ रहा है हमारा फोर्टीन रहा है एम ए एम हो गया फिर नाइन नाइन हमारा है ये आई हो जाएगा फिर सेवन सेवन हमारा जी हो जाएगा फिर एट एट हमारा क्या है एच हो जाएगा और ट्वेंटी ट्वेंटी हमारा है पर रहा ये ट्वेंटी हो गया टी तो इस तरह से हमें इसको डिकोड करना था नेक्स्ट है डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इंटू फोर इक्वल पार्ट्स बाई टू डिफरेंट वेज अब हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगल दिया गया इसको हमें फ़ोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने एक चलो इसको करते हैं तो पहले हम इसको वन ऐसे कर दिया टू और थ्री इस तरह से वन टू थ्री फोर फोर पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिया मान लिया इसी को अगर कर दोबारा करना हो तो मान लिया हमारे पास ये है तो एक बार इसको हाफ करेंगे और दोनों का फिर हाफ इधर कर दिया इधर कर दिया वन टू थ्री फोर फोर पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया नेक्स्ट है देर आर ट्वेंटी फोर स्टार्स ट्वेंटी फोर स्टार्स हैं अ क्वार्टर ऑफ देम आर डैश हमारे पास ट्वेंटी फोर स्टार्स हैं ठीक है और उसमें से क्वार्टर ऑफ देम क्वार्टर मतलब वन फोरथ वन फोर्थ कितने हैं रेड हैं तो रेड हैं हाउ मैनी स्टार्स आर रेड अब आपको बताना है कितने स्टार्स रेड हैं तो ट्वेंटी फोर का हमें क्या करना है वन बाई फोर निकाल लेना है वो कितना हो जाएगा इसको ट्वेंटी फोर को फोर से डिवाइड करेंगे सिक्स तो हमारे कितने रेड हैं रेड हमारे सिक्स हो जाएंगे तो सिक्स हो गए हमारे रेड नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन पैटर्न पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है वन टू थ्री इनको ऐड किया हमारा क्या मिल गया सिक्स मिल गया फिर ऐसे ही टू थ्री फोर इनको ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा फाइव एंड फोर नाइन अब आगे क्या आएगा यहाँ पर थ्री के बाद हम देख रहे हैं वन के बाद यहाँ टू आया थ्री के बाद टू के बाद थ्री आया थ्री के बाद फोर्थ तो यहाँ क्या आ थ्री आ जाएगा यहाँ पर फोर आ जाएगा यहाँ पर फाइव हो जाएगा अब इनको ऐड कर देंगे थ्री एंड फोर क्या हो गया हमारा सेवन एंड फाइव ट्वेल्व इस तरह से कंप्लीट हो गया लीला हैज़ नॉट गॉन टू तो स्कूल फॉर ट्वेंटी एट डेज लिए कोई बच्ची है लीला जो ट्वेंटी एट डेज तक स्कूल नहीं गई फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉच सी अवे फ्रॉम स्कूल तो आपको पता है वन वीक में कितने दे डेज होते हैं सेवन और वो ट्वेंटी एट डेज नहीं गई यानी कि ट्वेंटी एट को हम डिवाइड कर देंगे सेवन से हमारा आंसर आ जाएगा फोर वीक तो आंसर आ जाएगा फोर वीक नेक्स्ट है फाइंड आउट बाउंड्री ऑफ गिवन फील्ड बाउंड्री आप सभी को पता है बाउंड्री क्या होती है पैरीमीटर होता है जिसमें जो भी साइड है उसको हमें क्या करना है ऐड कर देते हैं और हमारी बाउंड्री आ जाती है तो हमें इसकी बाउंड्री पता करनी है तो बाउंड्री इसमें फिफ्टीन और फिफ्टीन हो जाएगा हमारा थर्टी मीटर फिर सिक्स थर्टी सिक्स मीटर और ट्वेंटी फोर और इसमें ऐड कर देंगे तो थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर जाएगा हमारा फोर एंड सिक्स हमारा हो गया टेन वन कैरी हो जाएगा फोर एंड टू सिक्स तो ये सिक्सटी मीटर हो जाएगा हमारा इसका पेरीमीटर या बाउंड्री नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्वेश्चन है पहला फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर तो यहाँ पर सिक्सटीन इंटू फाइव ये एट्टी हो जाएगा एट लेग्स मीन्स टू कैट्स एट लेग का मतलब टू कैट यानी कि एक जो कैट है उसके फोर लेग्स होते हैं तो टू कैट हो गया देन ट्वेंटी लेग मीन्स जब ट्वेंटी लेग्स होंगे तो कितने हो जाएंगे तो वन कैट के कितने होते हैं लेग फोर तो ट्वेंटी के कितने हो जाएंगे ट्वेंटी को हम फोर से डिवाइड कर देंगे हमारी कैट टोटल कितनी हो जाएंगी फाइव का एट यहाँ पर आ जाएगा फाइव हाफ ऑफ फोर्टी एट यानी कि फोर्टी एट का हाफ या फोर्टी एट को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 24 आ जाएगा ट्वेंटी फोर आ जाएगा नेक्स्ट थ्री बाई फोर लीटर यानी कि वन लीटर इक्वल टू होता है वन थाउजेंड मिली लीटर अब इसको हम क्या करेंगे थ्री बाई फोर स्कल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे वन थाउजेंड को हम थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे अब क्या होगा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 250 और 250 को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 750 मिलीलीटर ये आ जाएगा 750 मिलीलीटर नेक्स्ट है वन के जी टू फोर हंड्रेड ग्राम्स टू हंड्रेड ग्राम्स और ये कितना हो गया सिक्सटी सिक्स हंड्रेड ग्राम्स तो यहाँ पर क्या आना चाहिए फोर हंड्रेड ग्राम्स नेक्स्ट है डैस इज मेजर्ड इन ग्राम्स इनमें से व्हीट टी पाउडर क्या ग्राम्स में मेजर किया जाता है तो किलोग्राम में किया जाता है टी पाउडर ग्राम से में किया जाता है ये हमारा टी पाउडर आ जाएगा यहाँ पर टी पाउडर नेक्स्ट सॉल्व द किवन प्रॉब्लम अ हॉकी फील्ड इज़ नाइन्टी वन मीटर्स फोर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिफ्टी फाइव मीटर वाइड कोई एक हॉकी का ग्राउंड फील्ड है जिसकी हमें डायमेंशंस दी गई हैं ये दिख रही है ये लेंथ है इसकी फिर इसकी विड्थ दी गई हमें ये ईद है हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ़ द फील्ड अब आपको बताना है इसकी बाउंड्री कितनी है यानी कि जो भी चारों साइड है हमें इसको ऐड कर देना है हमें इसकी बाउंड्री मिल जाएगी तो ये वेट्थ है तो ये वेट इधर भी हो जाएगी और ये जो लेंथ है लेंथ इधर हो जाएगी तो अब चारों को हमें ऐड करना है चलिए करते हैं फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव को एक बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा हमारा वन हंड्रेड टेन मीटर हो जाएगा फिर नाइन्टी वन नाइन्टी वन फोर्टी सेंटीमीटर नाइन्टी वन फोर्टी सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो ये जाएगा एट्टी सेंटीमीटर और वन वन टू नाइन नाइन एट्टी ये हमारा हो जाएगा मीटर अब मीटर को मीटर में ऐड करेंगे सेंटी एट्टी सेंटीमीटर हमारा सेम रहेगा और वन टेन प्लस वन एट्टी टू इसको ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा टू नाइन टू टू नाइन टू मीटर और ये एट्टी सेंटीमीटर ये इसकी बाउंड्री हो गई वन कैरेट कॉस्ट एटीन रुपीज़ एक कैरेट की जो वन के जी सॉरी वन के जी कैरेट जो है उसकी कॉस्ट कितनी एटीन रुपीज़ है देन वाट इज़ द प्राइस ऑफ थ्री के जी कैरेट तो एक वन के जी का एट्टीन है तो थ्री का क्या करेंगे एट्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा फिफ्टी फोर रुपीज़ आ जाएगा हमारा नेक्स्ट है अ रेबिट जम्स थ्री फोर स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एक रेबिट है जो फोर स्टेप्स जंप करता है देन हाउ मनी जंप ही विल टेक टू री थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स नंबर तक पहुंचने में उसे कितने जंप लेने पड़ेंगे तो थर्टी सिक्स को हम डिवाइड कर देंगे फोर से तो हमारा आ जाएगा नाइन नाइन स्टेप में ये पहुँच जाएगा नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन पैटर्न तो पैटर्न जो भी दिया गया आपको इसको कंप्लीट करना है तो आप देख रहे हैं इसमें एरो ऊपर की तरफ है इसमें नीचे की तरफ इसमें ऊपर इसमें नीचे लेकिन सब में क्या आ रहा है नंबर ऑफ जो स्टिक हैं वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर टू थी यहाँ पर टू थी यहाँ पर थ्री यहाँ पर थ्री नेक्स्ट में क्या होंगी फोर हो जाएगी फोर इसमें भी फोर होंगी लेकिन एक तरफ एरो ऊपर एक बार नीचे ऐसे ही इसमें इसमें नीचे हो जाएगा अब नेक्स्ट में क्या आएगा नेक्स्ट में फाइव स्टिक्स हो जाएंगी और एरो ऊपर ऐसे इसको करना है हमें सारे सर्कल बना दें चार चार पार्ट में डिवाइड करना है कर दिया अब इसमें पहला ये था दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये वाला कलर्ड हो जाएगा फिर नेक्स्ट इसके पास वाला ये हो जाएगा कलर्ड फिर ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग अब हमें ऐड करना है इसमें ग्राम्स में ग्राम करना है के में के तो ग्राम यहाँ पर आ जाएगा फाइव फाइव टेन सेवन एंड वन एट एंड एट सिक्सटीन टू थ्री एंड थ्री सिक्स फिर है के आ जाएगा यहाँ पर टू एंड सेवन नाइन वन एंड टू थ्री नेक्स्ट ऐसे इसमें करना है ग्राम्स में ग्राम ये हो जाएगा जीरो जीरो फाइव फाइव टेन टू टू फोर एंड वन फाइव हो गया नेक्स्ट यहाँ पर के आ जाएगा फोर एंड फोर एट वन वन एटीन एट किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम्स नेक्स्ट मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन अब यहाँ पर हमें जो कलर्ड पार्ट है उसको उनके जो फ्रैक्शन है उससे हमें मैच करना है चलिए देखते हैं क्वार्टर क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ तो वन फोर्थ ये रहा और वन फोर्थ नंबर में कहाँ पर होगा इससे हो जाएगा नेक्स्ट है ये हाफ हाफ़ हम दिख रहे ये दो पार्ट में डिवाइड कर है तो ये हाफ हो गया और हाफ को कैसे लिखते हैं वन बाई टू से लिखते हैं फिर है होल होल मतलब फुल चारों इसमें कंप्लीट है कलर्ड है तो ये होल हो गया और होल का मतलब होता है वन और फोर बाई फोर का मतलब होता है वन फिर हमारा बचा है थ्री क्वार्टर्स तो थ्री क्वार्टर ये रहे और थ्री बाई फोर ये हो गया नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट एबिलिटी टू कंप्यूट में आते हैं पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स सिक्स 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 हाउ मेनी टाइम्स सिक्स आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स सिक्स दैट इज़ थर्टी नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न सेवन फोर टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव तो आपने सेवन का टेबल तो पढ़ा ही होगा नेक्स्ट क्या फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटर्न बिलो यहाँ पर हमें क्या करना है इसको कलर करना है जितना पार्ट हमें दिया गया थ्री बाई टेन यानी कि टोटल कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टोटल हो गए नीचे वाला जितना भी होता है वो हमारा टोटल हो जाता है और जितना हमें कलर करना है वो थ्री को करना है वन टू थ्री तो इसको हमने कलर कर दिया नेक्स्ट है द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड फोर सेंटीमीटर इज़ तो एक स्क्वायर है स्क्वायर पता है स्क्वायर की सारी साइड्स हमें इक्वल होती हैं अब हमें इसकी जो साइड दी गई है वो फोर सेंटीमीटर फोर 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 अब इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी चार बार हम इसको ऐड कर देंगे हमारी बाउंड्री आ जाएगी तो ये हो जाएगा फोर सिक्सटीन सिक्सटीन सेंटीमीटर नेक्स्ट है अ डजन इक्वल टू ट्वेल्व बनानाज एक डजन में ट्वेल्व बनानाज़ होते हैं देन टू एंड हाफ टू एंड हाफ डज़न कितने बनाना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे टू डज़न में हो जाएंगे ये हो जाएंगे ट्वेंटी फोर और हाफ डजन में हमारे होते हैं सिक्स दैट इज़ थर्टी बनानास टोटल थर्टी बनानाज हो जाएंगे अब इसको हमें क्या करना है इसको इनको ऐड करना है और इसमें से माइनस इसको फिर माइनस करना है तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फोर इनको ऐड करेंगे फोर एंड एट ट्वेल्व टू एंड थ्री फाइव एंड वन सिक्स अब सिक्सटी टू माइनस हमें फोर्टी करना है तो टू माइनस ज़ीरो टू सिक्स माइनस फोर टू आंसर हमारा आ जाएगा ट्वेंटी टू नेक्स्ट है ड्रा द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन होल एंड कलेक्शन तो ये फ्रैक्शन है सबसे पहले हम होल देखेंगे होल का मतलब क्या होगा कोई भी चीज़ है उसके में चार पार्ट करने हैं तो ये हो गया हमारा वन टू थ्री फोर फोर पार्ट ये हमारा होल हो गया फिर हम बात करेंगे कलेक्शन जो भी हमें दिया गया उस नंबर को दिखाना है तो ये हम इसको चार पार्ट में तो हमने डिवाइड कर रखा था अब इसके दो पार्ट हमें क्या करने हैं कलर कर देने हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमें नंबर शो कर रहा है ये होल कर रहा है ये कलेक्शन कर रहा है मतलब जो हमें नंबर दिया गया वो दिख रहा है नेक्स्ट है राइट टू इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन ये है हाफ़ इसका जो इक्वेलेंट फ्रैक्शन होगा क्या होगा तो हम इसमें टू से मल्टी ऊपर कर कर देंगे टू से मल्टीप्लाई और नीचे भी टू से तो ये फोर हो जाएगा टू बाई फोर ऐसे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ऊपर और सिक्स नीचे हो जाएगा ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है आप क्या है टू के जी इक्वल टू सेवन हंड्रेड ग्राम्स सिक्स हंड्रेड ग्राम्स तो हमें क्या करना है टू थाउजेंड ग्राम्स बनाना है तो यहाँ पर कितना हो गया सेवन एंड सिक्स थर्टीन हंड्रेड ग्राम्स हो गया थर्टीन हंड्रेड ग्राम्स हो गया अब इसमें हम कर देते हैं थर्टीन का थ्री हंड्रेड ग्राम्स और कर देते हैं और फोर हंड्रेड ग्राम्स और कर देते हैं ये कितना हो गया हमारा हमारा टोटल टू थाउजेंड ग्राम्स हो गया इफ़ देर आर फोर फोर्टी स्टूडेंट्स इन इन द क्लास एक क्लास है इसमें फोर्टी स्टूडेंट्स हैं वन बाई फोर ऑफ देम आर बॉयज देन हाउ मैनील्स आर गर्ल्स आर देयर तो हमें बताना है मान लिया चालीस बच्चे हैं क्लास में और उसमें से वन फोर्थ क्या है बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का नंबर कितना हो गया बॉयज़ का नंबर हो जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर हमारा हो जाएगा टेन टेन जब बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी फोर्टी माइनस टेन दैट इज़ थर्टी थर्टी गर्ल्स हमारे हो जाएंगी नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन पिक चपाती एक चपाती दी गई इसको हमें ऑब्जर्व करना है देखना है चार्ट एंड राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हमें बताना है इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर थर्टी टू अगर थर्टी टू स्टूडेंट्स हैं देन टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश तो इंग्लिश को कितने बच्चे लाइक करते हैं अब देखिए यहाँ पर थर्टी टू है थर्टी टू को हमें क्या इसको पहले डिवाइड करना है चार पार्ट में एक क्वार्टर ये हो गया एक क्वार्टर ये एक एक ही ठीक है तब आपको बताना है थर्टी टू को हमें चार में डिवाइड करेंगे थर्टी टू को चार से डिवाइड करेंगे ये हमारा हो जाएगा एट वन क्वार्टर इक्वल टू एट ही हो गया एट ही हो गया एट ही हो गया एट ही हो, हो गया अब पूछा गया इंग्लिश कितने लाइक करते हैं तो मैथ केवल एट लाइक करते हैं तो थर्टी टू माइनस एट कर देंगे ये हमारा हो जाएगा थर्टी टू माइनस एट हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है हु लाइक्स मैथ मैथ को एट लाइक like करते हैं यहाँ पर एट आ जाएगा मेक अ टेबल ऑफ सेवनटीन बाय यूजिंग द टेबल ऑफ़ नाइन एंड एट तो नाइन एंड एट का आपको टेबल सबसे पहले आना चाहिए चलिए करते हैं अब यहाँ पर टेबल हमने नाइन का लिख दिया और एटीन एट का लिख दिया अब इनको हमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेवनटीन का टेबल आ जाएगा तो इनको हमने ऐड कर दिया और हमारे टेबल बन गया नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में कुछ क्वेश्चन हैं कम्प्लीट द गिवन पैटर्न एक पैटर्न है इसको कम्प्लीट करना है तो एट सिक्सटी फोर सेवन सिक्सटी फोर सिक्स सिक्सटी फोर फाइव सिक्सटी फोर तो हम देख रहे हैं एक कॉमन नंबर है सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर सब में सिक्सटी फोर यहाँ कर दिया एट सेवन सिक्स फोर फाइव एंड यहाँ पर हो जाएगा फोर नेक्स्ट है वन हंड्रेड ट्वेल्व को हमें डिवाइड करना है फोर से तो इसको डिवाइड करेंगे तो फोर टू ज़ार एट फिर हमारा बचा यहाँ पे थ्री एट फोर एट सा थर्टी टू ये हो जाएगा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर का जो पैरी जो है उसका हमें क्या करना है पैरीमीटर निकालना है स्क्वायर का तो हो जाएगा फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है तो फाइव वन जार फाइव फाइव फोर ट्वेंटी नेक्स्ट है इफ़ नेहा हाइस ट्वेंटी टॉफिस नेहा के पास ट्वेंटी टॉफिस हैं विद हर शी गेव वन फोर्थ ऑफ टॉफिस टू हर फ्रेंड वन फोर्थ टॉफिस उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी देन डेस्ट टॉफिस आर रिमेन विद हर उसके पास कितनी बची आपको बताना है तो ट्वेंटी का हमें वन फोर्थ निकालना है वन फोर्थ हो जाएगा हमारा इसका फाइव टॉफिस फाइव टॉफिस उसने अपने फ्रेंड को दे दी तो उसके पास कितनी बची उसके पास बची ट्वेंटी माइनस फाइव दैट इज़ फिफ्टीन राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग टू फिफ्थ टू फिफ्थ नेक्स्ट है सॉल्व द given प्रॉब्लम Complete द गिवन नंबर टावर करते हैं ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है फिफ्टी हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे ये थर्टी हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर नहीं जाए कुछ भी फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है एक कॉलम थोड़ा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक होना चाहिए था ठीक है तो चलिए इसको बाद में करते हैं छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट है रमन वांट्स वन हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस रमन को क्या बनाना है एक हाउस बनाना है और हाउस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सीमेंट पर चाहिए होता है और सीमेंट कितना चाहिए वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेक्स चाहिए उसको अट्रैक कैरीज 250 सेक्स एक जो ट्रैक है ट्रैक में कितने सेक्स आते हैं 250 फिर क्या करना है हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक तो जो ट्रक है उसको कितनी बार आना जाना होगा आपको बताना है तो फाइव फिफ्टीन हंड्रेड को हम डिवाइड करेंगे टू फिफ्टी से हमारा पता चल जाएगा कितनी बार करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिक्स तो सिक्स ट्रिप्स इसको करनी होंगी नेक्स्ट है मीरा मेड टू हंड्रेड फोर कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट तो मीरा क्या करती है कैंडल बनाती है और उसको सेल करना है मार्केट में और उसने कितनी बनाई है टू हंड्रेड एंड फोर सी मेक्स पैकेट्स ऑफ सिक्स हाउ मैनी पैकेट्स विल सी मेक अब उसको पैकेट बना और हर एक पैकेट में वो सिक्स कैंडल्स को रखती है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो आपको बताना है इतने कैंडल्स में उसके कितने पैकेट बनेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है टू हंड्रेड फोर को हम डिवाइड कर देंगे सिक्स से सिक्स थ्री जर एटीन यहाँ पर बचा टू फोर को नीचे ले लिया हमने ये सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर तो टोटल टो, 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 टो कितने पैकेट बनेंगे थर्टी फोर पैकेट बनेंगे नेक्स्ट है फाइंड आउट बाउंड्री ऑफ गिवन फील्ड एक फील्ड है और इसकी हमें बाउंड्री पता करनी है तो बाउंड्री ट्वेल्व सिक्स तो इनको ऐड करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं छोटे से सिक्स एंड थ्री कितना हो गया चलो इसको ऐसे करते हैं सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन सिक्स एंड थ्री नाइन नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स फिफ्टीन सिक्स हो जाएगा तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और नाइन थर्टी थर्टी एंड ट्वेल्व फोर्टी टू तो फोर्टी टू मीटर्स की बाउंड्री हो जाएगी नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन पैटर्न पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है नाइन 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 दिख रहा है सब में लास्ट में हमारे सब में नाइन आने वाला है फिर यहाँ पर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी इस तरह से पैटर्न पूरा हो गया ऑब्जर्व गिवन चार्ट एंड फाइंड आउट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक नीचे चार्ट दिया गया है उसको हमें ऑब्जर्व करना है और हमें क्वेश्चन के आंसर देना है चलिए तो ये क्या है द ड्रामा चार्ट एक ड्रामा चार्ट है दिस शोज थ्री चिल्ड्रेन ट्राइंगल है ग्रीन का इसका मतलब है थ्री चिल्ड्रन ये एक्टिंग करते हैं ये कलेक्टिंग ड्रेस ये प्लेइंग म्यूजिक ये मेकिंग दैट्स हाउ मनी चिल्ड्रेंस आर एक्टिंग इन द ड्रामा एक्टिंग ये वाले एक्टिंग है थ्री 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 यानी कि नाइन नेक्स्ट है विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग दैट्स और द दो एक्टिंग तो एक्टिंग ये कर रहे हैं टोटल कितने हैं नाइन है और और क्या है चिल्ड्रन मेकिंग सेट्स सेट कितने बचा, बना रहे हैं ये बना रहे हैं थ्री एंड थ्री ये बना रहे हैं सिक्स कौन कर रहा है ज़्यादा मोर तो वो है एक्टिंग एक्टिंग नेक्स्ट वाट इज द दट इज बींग डन बाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा बच्चों के द्वारा क्या किया जा रहा तो है प्लेइंग म्यूजिक तो ये हो जाएगा प्लेइंग प्लेइंग म्यूजिक नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रेंस आर कलेक्टिंग ड्रेसेस ड्रेस कितने बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं थ्री एंड थ्री कितने हो गए सिक्स तो ये था आज का पेपर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा पढ़ते रहिए है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू